हाइपोकॉन्ड्रियासिस के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, एक्चुअली खुद आते हैं और उनका इलाज कर लेते हैं। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल हैं जहाँ हम लोगों को भर्ती करते, इलाज करते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियासिस ऐसी बीमारी है कि जिसमें वो व्यक्ति को बॉडीली सिम्टम, मतलब बदन के सिम्टम, लक्षण रहते हैं, और वो ऐसे रहते हैं लक्षण कि लक्षण सचमुच रहते हैं, पर वो लक्षणों के बारे में बार 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 विचार आते हैं, मन में डर आता है और उसको लगता है कि बहुत सीरियस है ये और कुछ तो भी हो जाएगा, मर जाऊंगा, या कोई सीरियस है और कुछ तो भी होऊंगा, पता नहीं मर जाऊंगा कि नहीं मर जाऊंगा, मतलब इस तरह के बॉडीली सिम्टम जो है, शारीरिक लक्षण, उसके बारे में उसके दिमाग में विचार आते रहते हैं। वो विचार जो है कि सब तरह की जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में भी जब उसको मालूम है कि कुछ नहीं है, सब रिपोर्ट्स निगेटिव है, तभी भी वो विचार आते रहते हैं। वो व्यक्ति को डेल्यूजन नहीं रहते, मतलब ऐसा भ्रम नहीं है, डेल्यूजनल लेवल पे नहीं रहता कि पक्का ही है कि है करके, डिलीजन लेवल पे नहीं, मतलब उसको लगता है कि नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि होंगे ही 101%, मगर उसके बारे में विचार आते, लगता है कि नहीं होंगे ही, उसको लगता है कि कुछ ना कुछ तो होंगे ही, ऐसा उसको लगते रहता है। फिर उसको क्वेश्चन किया तो बोलता है हाँ नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी कभी कभी बोलता है। ये लक्षण जो है बॉडीली सिम्टम्स, इससे उसके सामाजिक व्यवहार में, उसके धंधे पानी में, उसके जीवन के हर पहलू में बाधाएं आती है और वो बराबर अपना जीवन जी नहीं सकता। 6 महीने से ज़्यादा यदि सिम्टम्स ये है तो हम उसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस ऐसा बोलते हैं। और हाइपोकॉन्ड्रियासिस का निदान करने के लिए उसको पैनिक डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, सेपरेशन एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। ये बीमारियाँ रही तो फिर उसको हम ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस नहीं बोल सकते। बाकी कोई बीमारी नहीं है और तभी भी उसको ऐसा लगता है कि मुझे ये जो शारीरिक लक्षण है वो कुछ तो भी सीरियस है और मुझे तकलीफ हो रही है, और उसके विचार आते रहते हैं। ये जनरल पॉपुलेशन में 4 से 9% लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है, और फिजिशियन के तरफ जाने वाले जो लोग हैं उसमें से 20 से 50% लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकता है कि उनको एक्चुअली फिजिकल प्रॉब्लम है, मतलब लगता है कुछ तो भी सीरियस प्रॉब्लम उनको ऐसा लगता है। ये जो बीमारी है ठीक करने, मतलब ठीक होने के लिए तकलीफ वाला कार्यक्रम है, क्योंकि वो विचार उसको आते रहते हैं, वो टेस्ट करते रहता है, डॉक्टरों को विजिट करते रहता है, बार बार इधर उधर जाते रहता है, दवाई लेते रहता है। 25-25% लोग, 25% लोग कभी अच्छे होते नहीं, 65% लोग जो है वो ऊपर नीचे तकलीफ उनकी होती रहती है, और 10% लोग जो है वो कंप्लीटली रिकवर होते हैं। जनरल पॉपुलेशन में बताया 4 से 9% लोगों को ये होता है, मतलब काफ़ी तादाद में लोगों को ये प्रॉब्लम है। इसके ट्रीटमेंट में रीएश्योरेंस उसको देना, सपोर्ट देना, उसको हौसला उसका बढ़ाना, काउंसलिंग है, फिर उसके सबकॉन्शियस माइंड में सजेशंस देना सम्मोहन के माध्यम से, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ये विचार रहता है ना कि कुछ तो भी है करके, और वो विचार पक्का रहता है, वो विचार बार बार आता है, डर रहता है, तो वो विचार सबकॉन्शियस माइंड से निकालना पड़ता है। तो उसके लिए बेस्ट साइकोथेरेपीज, काउंसलिंग, हिप्नोसिस, और फिर ऐसा कुछ लगा कि एसोसिएटेड डिप्रेशन है तो हम उसको एंटी डिप्रेशन दे सकते हैं। बाकी फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, नींद नहीं आती तो उसके लिए कुछ देना नींद के लिए, मगर इसमें ख्याल रखना पड़ता है कि उसका एडिक्शन उसको ना होना। तो ऐसे जो लोग होंगे उनके लिए वीडियो जरूर काम में आएगा। आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकॉन क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।